दोस्तों बिग बिलियन डेज Amazon ग्रेट इंडियन सेल दोनों स्टार्ट होने वाली है। और क्या आपको iPhone 12 2023 में या अगर आप 2024 में भी देख रहे हो तो लेना चाहिए या नहीं, इस वाले वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। iPhone का 2020 का फ्लैगशिप है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग iPhone 12 यूज कर रहे हैं। दोस्तों फरहान iPhone 12 यूज करते हैं 2023 में, तो क्या आपको भी iPhone 12 लेना चाहिए? रियल यूजर रिव्यू ले लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी इस वाले फोन की? सबसे पहले दिक्कत तो बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा कबाड़ा है। कबाड़ा? हाँ। कितना चलती है? 3-3.5 घंटा बिना चार्ज के एक दिन चल ही नहीं पाएगी। कितना दिन यूज किया फोन को? हो गया 2 साल हो गया। अबे साले, अगर नया फोन लिया जाए तो बैटरी इश्यूज तुरंत आने लगेगा। फर्स्ट डे से नहीं, फर्स्ट डे से नहीं, 2-3 महीने के बाद। मतलब बैटरी इतनी खराब है कि आपको चार्जर कैरी करना पड़ेगा, एक दिन की बैटरी लाइफ मुश्किल से मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या लगा? दूसरा प्रॉब्लम इसमें स्टोरेज का है। मैं गूगल फोटोज का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। वैसे iPhone 12 का बेस वेरिएंट 64GB का मिलेगा आपको, मतलब आपको मिनिमम 128GB लेना पड़ेगा 2023 में। बस ये दो ही प्रॉब्लम थे, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है, प्रीमियम डिजाइन है, बिल्ड भी अच्छा है, बटन वटन सब फर्स्ट क्लास काम करता है। जो हम चेक करके दिखाएंगे आपको इन सभी फोन्स के साथ कंपेयर करके। हाँ टेकू गेमिंग, टेकू गेमिंग भी भाई मिल जाएंगे आपको फरहान निजाम। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। iPhone 12 ये फोन आपको 35,000 में आराम से मिल जाएगा। और इसी सेम रेंज में 3-4 फोन लॉन्च हुए रिसेंटली, जैसे कि मोटो का H40 या आईक्यू का न्यू 7 प्रो। दोनों ही एंड्रॉइड फोन है, तगड़े स्पेक्स के साथ आते हैं और हमने अपने चैनल पे इसको रिकमेंड भी किया है। तो iPhone 12 से एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे भाई कि क्या आपको iPhone 12 पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एंड्रॉइड फोन बेटर आपको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। डिजाइन के बारे में बात करते हैं। iPhone 12 आपको ग्लास बॉडी ऑफर करते हैं। इन दोनों फोन के अंदर आपको वीगन लेदर डिजाइन मिल रहा है, बट अलग वेरिएंट भी है जहां पे ग्लास बॉडी डिजाइन ऑफर किया जा रहा है। एक फोन को चूज करना पड़े डिजाइन वाइज, मोटोरोला H40 को जाने वाला है। iPhone 12 भी कम नहीं है। अब iPhone के डिजाइन में इसके शेप की वैल्यू काफी ज्यादा रहती है दोस्तों, उससे आपसे तो iPhone जीतने वाला है, बट इनकी डिजाइन भी काफी प्रीमियम है। इवन कंफर्ट वाइज भी आपको यहां पे मोटोरोला H40 मेरे लिए अच्छा रहेगा। पहले तो काफी ज्यादा पतला दुबला फोन है, कर्व डिस्प्ले जिसे होल्ड करने में काफी मस्त रहता है और जिसका साइज भी है काफी परफेक्ट है, ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है। बट अगर iPhone 12 को देखोगे आप, इसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा फील होने वाला है और ये बॉक्स डिजाइन के साथ आता है। अब ये फोन बहुत प्रीमियम डेफिनेटली है और इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 2 साल के बाद भी ये बिल्कुल नया जैसा फील होता है। बिल्ड क्वालिटी में तो iPhone 12 कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, बट डिजाइन और कंफर्ट में कुछ फोन तो है यहाँ पे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो iPhone 12 लेने का तो आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जैसे कि आपको कर्व बॉडी नहीं मिलेगी, पतला दुबला फोन नहीं मिलेगा और थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले भी नहीं मिलेगी। अगर इसके साइज से इशू नहीं है तो फोन बहुत ही अच्छा है फॉर द प्राइस। कैमरे के बारे में बात करते हैं। करंट कॉम्पिटिशन से iPhone 12 डेफिनेटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको मैं नंबर्स बता के बोर नहीं करूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आप लोग के लिए सिंपली कुछ फोटोज ले लेता हूं मैं, जिसको अपने डिस्प्ले पे आप देख सकते हो। इस पत्ती की क्लोज फोटो ले लेते हैं। कैमरा कंपैरिजन में यहाँ पे आप तीनों ही फोन की फोटोज देख सकते हो। iPhone 12 का कैमरा कहीं से भी 3 साल पुराना नहीं लगता है, दोनों ही फोन के साथ कम्पीट कर रहा है और अपने परफॉर्मेंस से मुझे इसने इम्प्रेस भी किया है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो iPhone 12 का कैमरा से आप डेफिनेटली इतनी अच्छी वीडियो बना सकते हो कि आप YouTube पे अपलोड कर सकते हो। और अगर बात करते हैं बैटरी के बारे में, बात सुन के भाई अपना लैंप मुरझा गया भाई। iPhone 12 बहुत ज्यादा बेकार फोन है बैटरी और चार्जिंग के लिए, मतलब आपको चार्जर बॉक्स मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली भाई बैटरी का झंझट आपको नहीं चाहिए तो iPhone की तरफ देखो ही मत। जैसे फरहान अपना पावर सेविंग मोड ऑन रखता है और बैटरी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। आपको हमेशा एक सेकेंडरी फोन कैरी करना पड़ेगा भाई सेफ साइड के लिए, और फरहान करता भी यही काम। परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो तीनों ही फोन की परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलेगी। ऐसा नहीं कि iPhone 12 की परफॉर्मेंस ऐसे फाड़ है भाई, आजकल एंड्रॉइड फोन अगले परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं। जैसे iQOO न्यू 7 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस अल्ट्रा HD पे मस्त पपी चल जाती है। इवन की मोटोरोला के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है। मोटो H40 के अंदर डायमेंसिटी 8020 है। अब ये फोन भी अपनी लिस्ट का सबसे सस्ता और वैल्यू फॉर मनी फोन है। ये वाला सेल में अराउंड 27,000 में मिल जाएगा, बैंक ऑफर लगाओ तो और सस्ता हो जाएगा और इसकी परफॉर्मेंस में भी कोई इशू नहीं होता है आपको। बट जहां बात आती है भाई iPhone 12 की, इसके अंदर है Apple Bionic A14 चिपसेट जो कि भाई रिलायबिलिटी का किंग है। बहुत ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस आती है। अभी भी आप इसके ऊपर BGMI खेलोगे ना तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वही बात है भाई कि बैटरी थोड़ी कम चलती है तो मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन अगर गेमिंग का चक्कर नहीं है तो भाई इसकी परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी आएगी और 2 साल तक अपडेट भी मिलेंगे इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर फाइनलाइज किया जाए iPhone 12 को इस सेल में लेना चाहिए या नहीं, भाई मैं बोलूंगा कि थोड़ी सी परेशानी तो होने वाली है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आपको फिर भी लेना है तो 64GB वेरिएंट बिल्कुल मत लेना, 128GB मिनिमम लीजिए और बैटरी वाला इशू तो इसके साथ होगा ही होगा। बाकी अपने दोनों फोन तो भाई चैंपियन है। मोटो H40 इस वाली लिस्ट का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा मेरे लिए। इसका कैमरा डिस्प्ले और परफॉर्मेंस सब चीज तगड़ा है फॉर द प्राइस, और दिखने में फोन क्या माल लगता है भाई। अपना iQOO का न्यू 7 प्रो भी भाई बहुत अच्छा फोन है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 इस प्राइस पॉइंट पे ना कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आपको एंड्रॉइड का रिलायबल फोन चाहिए गेमिंग के लिए, इससे तगड़ा फोन इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलेगा भाई। कंक्लूजन ये कि तीनों ही फोन अपने अपने लिए मस्त है। iPhone लेने का इतना ही शौक है भाई तो ये iPhone 13 ले लो भाई। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है कि क्यों आपको लेना चाहिए और क्यों नहीं भी लेना चाहिए, दोनों रीजन बताया आपको। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। और इसी नोट के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।